हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चाइनीज रेसिपी लेके आई हूँ, शेजवान फ्राइड राइस। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनाने के बाद ये रेस्टोरेंट से कम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम सेजवान फ्राइड राइस बनाते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है एक बॉल राइस, जिसे हमने कुक कर लिया है, सेजवान चटनी 2 बड़े चम्मच, टोमेटो केचप 1 चम्मच, 1 चम्मच तेल, नमक, ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, व्हाइट विनेगर। सब्जी में हम फ्रेंच ग्रीन्स, कैप्सिकम, ओनियन, ग्रीन ओनियन, कैबेज, ग्रीन चिल्ली, कैरेट और गार्लिक को हमने बारीक काट लिया है। तो ध्यान रहे, सब्जी एक ही साइज में सब काटना है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो हमने गैस पे एक बड़ी सी कढ़ाई ले लिया है और गैस को हम ऑन कर लेंगे। कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ध्यान रहे, कभी भी हम चाइनीज डिश बनाएंगे तो फुल फ्लेम पे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छे से हीट कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। लहसुन, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, और इसे हम आधा मिनट के लिए तेज फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। तो लहसुन अपना भून चुका है, अब हम इसके साथ ही डालेंगे ओनियन, इसे भी हमने बारीक बारीक काटा है, और लहसुन के साथ में आधा मिनट हम प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। फिर से बता दे रही हूँ, गैस का फ्लेम तेज ही होना चाहिए। हमने लहसुन प्याज को आधे मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल नहीं गया है, केवल कच्चापन दूर हुआ है। अब हम उसमें डालेंगे ये कटी हुई ग्रीन चिल्ली, साथ में डालेंगे बीन्स, कैरेट, और इसे हम आधा मिनट तक तेज फ्लेम पे ही भूनेंगे। हमें सब्जियों में क्रंच भी चाहिए और इसकी कच्चापन भी दूर करनी है, तो ये सारे प्रोसेस हमें तेज फ्लेम पे ही करना है। हमने सब्जियों को भून लिया है, अब हम डालेंगे कैबेज, जिसे हमने बारीक बारीक काटा है, और लास्ट में हम कैप्सिकम डालेंगे, क्योंकि कैबेज और कैप्सिकम जल्दी भून जाता है, और इसे हम आधा मिनट तक भूनेंगे। तो इसमें आप अपने मन पसंद की सब्जी कम या ज्यादा कर सकते हैं। सभी सब्जियों का कच्चापन चला गया है, अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो ये सेजवान फ्राइड राइस है, तो हम इसमें 2 चम्मच सेजवान सॉस डालेंगे। इस स्पाइस को कवर करने के लिए हम 1 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, 1 चम्मच हम व्हाइट विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच हम रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 ही चम्मच हम ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, और 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, तो हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि सॉस में नमक रहता है, तो हम अंदाज से ही डालेंगे। और हम इसमें
एक चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अपनी सब्जी सॉस अच्छे से पक चुकी है, अब हम ये फ्राई किया हुआ राइस डालेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम खिली खिली राइस है, बिल्कुल एक दूसरे से नहीं चिपक रहा है, क्योंकि ये राइस जो है हम 90% पकाते हैं, बाकी के 10% हम फ्राई में पकाते हैं। अब हम अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। राइस को हमने सब्जी सॉस के साथ फ्राई कर दिया। अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया राइस तैयार हुई है, ये किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम एक प्लेट में राइस को सर्व करेंगे। हमने प्लेटिंग कर लिया है, अब हम स्प्रिंग ऑनियन का ग्रिल पार्ट लेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा इस पे ऑनियन डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी टेंटिंग लग रही है अपनी सेजवान राइस। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।